सो ही नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो इससे पहले यार मैंने आपको रियलमी एक्स के लिए यहाँ पे बताया था स्क्रीन और बॉडी प्रोटेक्टर फिल्म, और मैंने कहा था आपके लिए स्किन भी ज़रूर लेके आऊँगा। तो फाइनली यार अगर आपने ये स्क्रीन की जो प्रोटेक्टर फिल्म है इसकी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक दे दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में, देख सकते हो। ये मैंने लगाई हुई है और लगी हुई पता भी नहीं चलती है, और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आपका टच वगैरह सब चीज़ अच्छे से यहाँ पर वर्क करता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट स्किन आपके लिए रहती है और यहाँ पे ये गैजेट शील्ड्स की तरफ से आती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना, इसका बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाऊं तो इसके अंदर क्या मिलता है, तो सबसे पहले तो इस तरीके का कंटेंट है, दो स्किन है। तो यहाँ पे दो स्किन इसलिए है क्योंकि मैंने एक बार खास स्किन बनाई है और वो चीज़ देख के भी आपको थंबनेल में बहुत पसंद आई होगी आई होप। तो यहाँ पे आपको दिखा दूँ सबसे पहले क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले एक तो इनका यार सबसे प्रीमियम क्वालिटी का माइक्रोफाइबर क्लोथ मिलता है जो कि बहुत ही यूज़फुल है। अगेन उसके बाद आपको यहाँ पे एक गाइड मिल जाती है फ्री टिप, तो इनके यहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो, वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो किस तरीके से ईजिली आपको लगाना है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इनका ज़रूर जाके देखो क्योंकि इन्होंने और भी अच्छे से डिटेल्ड में दिखाया है। मैं हो सकता है कभी कभी डिटेल में ना दिखाऊं, वीडियो लंबी ज़रूर बन जाती है, लेकिन कोशिश करता हूँ सही से आपको बता पाऊँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओह उससे पहले ये चीज़ है, ये है दो स्किन। अब आप कहोगे दो स्किन क्यों है, मैं एक ही स्किन है ये जो आपको ये देखने को मिलता है ना स्पाइडरमैन, ये इसका रेड लोगो ये नीचे है। तो और अगर आपको सिंपल ये स्किन भी लगानी है तो सिंपल ये भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आप ये वाली ऑर्डर करोगे तो आई थिंक इसके साथ ये दोनों मिलते हैं ताकि आप इसको पूरे चारों तरीके से चारों कोने में लगा पाओ, उसके बाद आपको ये अच्छा सा प्रोटेक्शन यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिले। तो लगाना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। कैसे लगाना है तो चलिए सब चीज़ आपको यहाँ पे इसके अंदर दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। सो सबसे पहले ध्यान रखना है आपका एनवायरमेंट शांत हो यार, कोई डस्ट वस्ट ना आए, और आपका ये जो माइक्रोफाइबर क्लोथ दिया है इससे आप इजीली इसको क्लीन कर लो, और अगर आपके पास यार हेयर ड्रायर है तो ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि आप इजीली स्किन आपके यहाँ पे लग जाए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लग जाएगी स्किन तब भी और अच्छी यहाँ पे लगेगी। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं, अब आपको सबसे पहले तो क्लीन कर लेना है इसको चारों साइड से, कोने आगे पीछे सब चीज़ आप क्लीन कर लीजिए ताकि आपका ये अच्छे से लगा रहे। अगर कुछ दाग वगैरह है तो यार ये देखो इसके साथ ये किट मिली थी सॉल्यूशन किट, तो आप इसको भी लगा सकते हो। ये किट आप अलग से आपको खरीदनी पड़ेगी, ये जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है फिल्म है उसके साथ देखने को मिलती है। तो इसको लगा के मैं अच्छे से थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ अपने फ़ोन को ताकि काफ़ी अच्छा और भी लुक आपको देखने को मिल पाए। यहाँ पे स्किन इसके ऊपर लगाओगे तो आपका ये जो प्रोटेक्शन है बैक वाला वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बना रहेगा और आपके स्क्रैचेस वगैरह ना सब दूर रहेंगे इसके अंदर से। तो यहाँ पे क्लीन होने के बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ये क्लीन हो गया है, अब आपको जो रेड वाली स्किन है यहाँ पे इसको लेना है और यहाँ पे जो नीचे साइड है इसके साथ यहाँ पे इसको निकाल के अलाइन करना है। तो ये चीज़ बहुत ही ईजी है, तो यहाँ पे आप सिंपल इसको निकाल लो बाहर और इतना यहाँ पे बाहर निकल जाए, एंड इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये दोनों को आपको इस तरीके से अलाइन कराना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सिंपल इस तरीके से हो जाएगा अच्छे से, यहाँ पे प्रेस कर लेना है ताकि ये आपका लग जाए। यहाँ पे अच्छे से आपको प्रेस कर देना है चारों तरीके से चारों तरफ से ताकि यहाँ से तो आपका अच्छे से लगा रहे। अब आपको इसको यहाँ से निकाल लेना है, बाहर निकाल लेंगे हम थोड़ा सा और अगर आप पैसा से उधर से कहीं से भी कुछ उठा हुआ है तो आपको इजी यहाँ पे सही हो जाएगा, यहाँ से भी उठा के सही कर सकते हो। अब यहाँ पे फोन लगा देंगे और ऊपर निकल जाएगा, यहाँ पर बैठा है बैठ कर देगा और आई थिंक बैठ भी जाएगा। अब जब ये ऊपर लग जाए तो हम इसको निकाल लेंगे बाहर और यहाँ से अब ऊपर से इसको ईजिली लगा देंगे अच्छे तरीके से ताकि आपका पॉपअप कैमरा का भी कटआउट यहाँ पर बना रहे और सेकेंडरी माइक्रोफोन का भी सब चीज़ का यहाँ पर बना रहे। और इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पे लग गया है,
अब हर तरीके से हर तरफ मैंने आपको हेयर ड्राई की जरूरत पड़ेगी, ये साइज जो कोने हैं इसको अगर आपको चुपाना है अच्छे तरीके से तो हेयर ड्राई की जरूर से जरूरत पड़ेगी। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, इस बार भी कहूँगा, अगर आपके पास नहीं है चिंता की कोई बात नहीं है, आपका ऐसे भी लग जाएगा लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो उससे अच्छा है 5 रुपए दो बाहर जाओ, जो आपको दुकान वाले हैं उनके पास हीट गन रहती है वो आपके लिए इजीली लगा 5-10 रुपए लेंगे, आज ज़्यादा आपका काम हो जाएगा, आपकी स्किन को बची रहेगी और अच्छी तरीके से आपका काम भी बचाएगा। तो यहाँ पर आपको नोटिस करिए इसके स्किन में कैमरा स्क्रीन आपका प्रोटेक्ट भी देता है, तो वो चीज़ भी इसके साथ रहती है, ये चीज़ एक अच्छी यहाँ पर हो जाती है। अब यहाँ पर हम जो साइज है इनको यहाँ पर साइज में अभी ऐसे भी लगा रहा हूँ, लेकिन चलिए आपको जो मैंने कहा आपको हेयर ड्रायर यही की जरूरत पड़ी है ताकि अच्छे से फ्लेक्सिबली यहाँ पे लग जाए। तो फिलहाल तो मेरे पास नहीं है तो मैं आपको नहीं लगा पाऊँगा, उसके अलावा भी आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे साइड्स वगैरह सब लग गई है और काफ़ी अच्छे से स्टिक हो गया है। तो ये देख सकते हो ये हो गया है, काफ़ी कूल लग रहा है यहाँ पे लगने के बाद और बहुत ही ज़्यादा मस्ता आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमको दूसरी चीज़ जो देखने को मिलती है ये ब्लैक वाली स्किन। तो ये एक सिंपल स्किन है सिर्फ पीछे पीछे की, आपको यहाँ पे अगल बगल नहीं देखने को मिलता है इसलिए इसमें अगल बगल दिया हुआ है। इसको लगाना बहुत ज़्यादा ईजी है, सबसे पहले तो आपको इसको निकाल लेना है बाहर और इसको हम कैमरे के साथ अलाइंस करवा के लगाएंगे। आता है आपका यहाँ पे बैक साइड में ये जो लिमिटेड एडिशन वाला इनका देखने को मिलता है, काफ़ी कूल लग रहा है रियली यार, आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहीं पे आप अब जो कैमरा प्रोटेक्टर है उसको भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो कैमरा प्रोटेक्टर का चॉइस है आपको, या तो ब्लैक लगाना है तो ब्लैक लगा लो या रेड लगाना है तो रेड लगा लो, मैं यहाँ पे रेड वाला लगाऊंगा। तो चलिए रेड वाला भी यहाँ पे लगा के आपको दिखा देते हैं। इसको भी लगाना सेम है, आप यहाँ पे कैमरा रिंग के साथ इसके अलाइंस कर लो और यहाँ पे लग जाएगा। तो इसको थोड़ा सा उठा के यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे ये हो गया। तो अब यहाँ पे फाइनली हो गया है और इसके ऊपर भी यार हीट गन लगाना मत भूलना, हर जगह पे आप हीट लगाओगे उतने अच्छे से आपका यहाँ पे लग जाएगा। तो ये है आपका अल्टीमेट स्पाइडरमैन एडिशन रियलमी XT, जो कि बहुत ही कूल डैशिंग मस्त लग रहा है और रियली यार मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अब इसका तो थंबनेल सोच रहा हूँ कैसे लूँ। तो अगर आपको ये लेना है तो लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बाई कर सकते हो। ये आपको देखने को मिलता है कार्बन फाइबर वाला, नीचे रेड कलर का आपको मिल जाएगा लोगो, ऊपर यहाँ पे ये, और इस तरीके का आपका रियलमी XT कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ऊपर से भी आपको दिखा दूँ, देख सकते हो कैमरे का पॉपअप में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और ईजिली आपका पॉपअप भी वर्क करेगा। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर जरूर करोगे और इसी तरीके का वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट।